सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से 10 लाख की रंगदारी मांगने वाला बदमाश गिरफ्तार हो गया है। पुलिस द्वारा बताया गया कि वादी पवन कुमार सिंह उर्फ बबलू चौधरी से कुछ लोग रंगदारी 10 लाख रुपया मांग रहे थे। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दो स्थानीय बदमाशों को पकड़ लिया गया है, जो कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। उनके पास से दो मोबाइल भी बरामद किया गया है, जिसमें चैटिंग है। दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले भी रहा है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि शुरू में दोनों बदमाशों ने थाना का ही नाम लिया था। कहा था कि सुखदेव नगर थाना के हम छोटा बाबू बोल रहे हैं, आप पर केस है, आप थाना जल्दी आइए। मामले में टेक्निकल टीम और सुखदेव नगर की पुलिस ने कार्रवाई करके दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अन्य गिरफ्तारियों के लिए छापेमारी चल रही है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में आज हम लोग हैं, इस थाने पे आए हैं और यहाँ के वादी बबलू कुमार सिंह काफी त्रस्त थे उर्फ बबलू चौधरी, इनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी इधर कुछ लोग मांग रहे थे फ़ोन मोबाइल पर और चैटिंग भी कर रहे थे। ये भयभीत हो गए, परेशान हुए, तो फिर हम लोगों से संपर्क बनी इनकी और थाना प्रभारी अभी जस्ट यहाँ नए हैं राजेश जी, इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया आप टैक्सेल के माध्यम से उसको ट्रैक कीजिए कि आखिर वो कौन आदमी। इनकी टीम ने ट्रैक किया और कल ही केशव सिंह और ऋतिक यादव, जो लोकल ही इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको डिटेन किया गया है। और उनके पास ये देख रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन है 3, उसी में वो चैटिंग भी जो किया हुआ, जो 10 लाख रुपया मांगा गया है वो मिला भी है, उसको जब्त किया गया। स्थानीय लोगों का काफ़ी सहयोग मिला इसमें, चूँकि ये शातिर लोग हैं, इसके पहले भी जेल जा चुके हैं और भय पैदा करके भयादोहन ये करना चाह रहे थे। शुरू में इन्होंने पहले थाना का ही नाम लिया कि सुखदेव नगर थाना के ही हम छोटा बाबू बोल रहे हैं, तुम जल्दी आओ अन्यथा तुम पर हम केस कर देंगे। इस टाइप से इनको ट्रैक किया और फिर वो अगला आए भी यहाँ, देखे कि कोई आदमी नहीं, किसी ने कहा कि नहीं हम लोग तो फ़ोन नहीं किए। फिर कल को फिर फ़ोन किया दूसरे रूप में और इस तरह से पकड़े गए हैं और ये मोबाइल फ़ोन मिल गया। हमको लगता है कि इनके पकड़े जाने से इस ढंग की कार्रवाई करने वाले लोगों पर अंकुश जरूर लगेगा। दरअसल ये पवन कुमार जमीन कारोबारी है, जमीन से कारोबार से जुड़े हुए। थाना का पर्पस ये था कि ये आदमी सही में जा पा रहा है कि नहीं, चूंकि ये तो आदमी लोकल ही है ना, ये वॉच कर रहा था कि हाँ अगला आया कि नहीं, तो उसने ये टेस्ट किया कि हाँ ये हमारा कंप्लायंस कर दिया है झूठा बात का, इट मीन्स कि हम जब इसको प्लेस करेंगे, पैसा मांगेंगे बहला के या भयभीत करके, तो हमको पैसा जरूर मिल जाएगा। इसका व्यू यही था, ये टेस्ट कर रहा था अगला को कि हाँ ये पहुंचता है कि नहीं। सर, इसको ये छोटा बाबू के नाम पे पैसा मांगा? या, स्टार्टिंग इसने यही किया था ये देखने के लिए कि हाँ ये थाना पहुंच पा रहा है कि नहीं, तो उसने देख लिया कि हाँ ये हाँ थाना पहुंच गया, दूर से देख लिया था, चेक कर लिया था, क्योंकि तो लोकल ही ये देख बताया ना, सुखदेव नगर के ही आप ही के मंदिर चुना बटा के पास का। 10 लाख से जो ये मांगा ये छोटा बाबू नहीं, छोटा बाबू तो पहले बोला कि हम छोटा बाबू बोले हैं, थाना और तुम्हारे विरुद्ध में केस मुकदमा है। ठीक है, तो बेचारा अगला आ गया यहाँ डर से, लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं यहाँ। और ये बोले भी कि नहीं नहीं थाना से बताया लोग, हम लोग तो किसी आपको बुलाए नहीं, हम तो ऐसा कुछ मैटर है नहीं। तो फिर ये चला गया, लगता है कि इन्होंने सोचा कि फिर कोई आदमी ऐसे फ़ोन ऊन कर दिया। हाँ, ये टेस्ट किया, उसके बाद तब दूसरे कॉल से उसने फ़ोन डाला, उसके बाद लगातार कई दिनों से इसको हैरेस किया और इनकी तत्परता के वजह से इनकी टीम ने इनको डिटेन किया है। और हमको लगता है कि इसके पकड़े जाने से अब इस ढंग के जो लोग भी हैं उन पे अंकुश लगे, ऐसा अनुमान है। प्लानिंग इनका तो अपना क्या बोलिएगा, चूँकि ये कारोबारी है, ये ऐसा अनुमान था कि ये आदमी इतना पे कर सकता है, मांगेंगे तो कुछ बार्गेनिंग भी होता है, कुछ बार्गेनिंग भी लोग करता है, लेकिन ये स्टेबल टाइप का हो गया कि नहीं 10 लाख ही लेंगे, नहीं तो तुम्हारे घर पे गोली बरसा दें, तुमको मार देंगे, हत्या कर देंगे, बहुत तरह का थ्रेट है जिसको आप समझ सकते हैं। और चैटिंग भी है ना, वो रिकॉर्ड में आ गया, तो कोर्ट का ये रिकॉर्ड प्रदर्श के रूप में ये जाए पूरी तरह से है ही नहीं, इसके पहले ये जेल जा चुका है, पहले ही जेल जा चुका है।
हाँ दोनों लोग का और भी पता करते हैं चूँकि ये इलाका काफ़ी ये इलाका काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है हाँ, और भी आजू बाजू में थाना है बॉर्डर, हम लोग पता कर लेते हैं कि और भी कोई दूसरे थाना में इनका अपराधिक इतिहास अपने इस रांची शहर में है कि नहीं, या एब्रोड भी हम लोग देखेंगे, बाहर जरूर चेक कराएंगे। ठीक है, अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।